सर्वप्रथम नमस्कार सबैलाई र आज जुन चाहिँ भारतवर्षको एउटा राज्यमा जुन प्रकारले एउटा जनजातिको मागलाई लिएर दुई गुटमा जुन प्रकारको एउटा युद्धै भइरहेको छ है त्यहाँनिर जुन प्रकारले नारीहरू उत्पीडन भइरहेको छ र यो विषयमा चाहिँ अब हामी के भन्न चाहन्छौँ भने सरकार मौन छ र सरकार किन मौन छ आज 90 दिन बित्दा पनि त्यहाँनिर जुन जातिलाई एउटा अत्याचार भएको छ जुन नारीहरूमाथि उत्पीडन भएको छ हामी चाहिँ मणिपुरको त्यो पछाडिएको जातिहरूले न्याय पाओस् भन्ने पक्षमा आज एउटा यो मौन र्याली निकालिएको यो पार्टीको पक्षबाट मात्र नभएर सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको पनि आज सहभागी थियो हामी अझै आह्वान गर्न चाहन्छौँ यदि मणिपुरमा यस्तै प्रकारको घटना घटिरहे मिरिकमा सम्पूर्ण पार्टीहरू नै एक सूत्रमा बाँधिएर सम्पूर्ण सङ्घ संस्था गाउँघर कमान त्यो दिन कमानलाई स्थगित कामलाई स्थगित राखेर पनि हामी मिरिकमा त्यसको एउटा विरोध र्याली निकाल्नेछौँ घटनाबाट आएको हुनु त अब मणिपुरमा त अहिलेदेखिको मात्रै घटना भएको होइन 3 महिना अगाडिदेखिको नै त्यहाँ चलिरहेको हो होइन तर पनि अब जस्तो हाम्रो त्यहाँनिर जुन कुकी समुदायको माथि अब एसटी जो एसटी क्याटेगोरीमा पर्ने उनीहरूमाथि जुन प्रकारको अत्याचार भइरहेको छ हामी चाहिँ यति नै भन्न चाहन्छौँ कि हामीले पानीघट्टामा पनि रेली गऱ्यौँ लुहागढमा पनि गऱ्यौँ अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँ मणिपुरको जति पनि पीडित मान्छेलाई चाहिँ न्याय दिलाएको हुनुपर्छ आज हम मणिपुर के लिए यहाँ पे मिरिक आए हैं रैली के लिए और इससे पहले भी हमने लोहागढ़ पे गए थे और पानीघट्टा पे भी और हम मतलब मणिपुर के लिए न्याय चाहिए न्याय के लिए रैली यहाँ पे आए हैं हमें सरकार से जल्द कार्रवाई करे मणिपुर के लिए इसमें पूरा विरोध करेंगे आदिवासी समुदाय से एनएम बेंगरा तो यहाँ पर जो मणिपुर में जो एट्रोसिटी हुआ है इसके लिए हम लोग जितने भी आदिवासी समुदाय से पुरजोर विरोध करते हैं इसका क्योंकि नारी एक माँ है बहन है आज जब वहाँ पर बीजेपी सरकार के होने के बावजूद भी वहाँ पर एक नारी महिला का सम्मान नहीं मिल रहा है तो इस सरकार से हम लोग को यही गुजारिश है जब वो सम्मान नहीं दे सकते हैं तो उसका पुरजोर हम लोग समुदाय की तरफ से विरोध करते हैं और जल्द से जल्द इस सरकार को कान में हम लोग आवाज़ देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मणिपुर में जो घटना घटी है और वहाँ के जो पीड़ित महिला है उसको जल्द से जल्द न्याय दिया जाए